नमस्कार, आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। वहीं आज राजस्थान में होंगे बड़े बदलाव, किसानों के लिए भी बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, बने रहिएगा अंत तक। यह एक पहल है जो प्रदेश सरकार ने लोकसभा के चुनाव से पहले किया है। इसके बाद इसकी सुनवाई बीजेपी कार्यालय में की जाएगी। सीएम ने इस बैठक में उपस्थित सभी मंत्रीगणों से कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र के 40% वादे पूरे किए जाएंगे। बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कार्य समिति की बैठक का आज का दूसरा दिन है। सरकार ने लोकसभा के चुनाव से पहले 3 महीने का कार्यक्रम तय किया, जिसमें मंत्री जनता से लेकर मिलकर सुनवाई करेंगे। बता दें, इससे पहले पूर्ववर्ती अशोक गहलोत के कार्यकाल में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हर मंत्री को 2 जिलों का जिम्मा सौंपा जाएगा, जिससे उन्हें अपने क्षेत्र में समस्याएं सही से समझने का और समाधान निकालने का मौका मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले 40% वादे को पूरा करने का आदान प्रदान किया जाएगा, जिससे चुनावी अभियंता और कार्यकर्ताओं को स्पष्टता मिले। पार्टी मुख्यालय में जल्द बीजेपी कार्य समिति की बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चों को संगठन की रणनीति और कार्य योजना पर जल्द सुनवाई की जाएगी। इस मीटिंग में विकसित भारत संकल्प यात्रा को बूथ स्तर तक ले जाने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाया जा सके। इस निर्णय को भजनलाल सरकार चुनावी तैयारियों में गति प्राप्त कर रही है और प्रदेशवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरी तरह समर्थ हो रही है। प्रदेश में करीब 600 मदिरा दुकानें की ऑनलाइन नीलामी होगी या फिर पुराना लॉटरी सिस्टम शुरू होगा। इसे लेकर विभिन्न मदिरा ठेकेदार संगठनों और आबकारी अफसरों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल प्रदेश की इन मदिरा दुकानों के लिए 1 अप्रैल से संचालन के लिए इस बार नई आबकारी नीति लाई जाएगी। इससे पहले आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2023 में 2 वर्ष की अवधि के लिए लाई गई थी। पिछले वर्ष पुरानी दुकानों का ही नवीनीकरण किया गया था। नई पॉलिसी जारी करने को लेकर आबकारी विभाग ने दिसंबर माह के दौरान ही तैयारियां शुरू कर दी थी। सबसे पहले जयपुर जोन के अधीन सभी जिला आबकारी अधिकारियों को सुझाव मांगे गए थे। इसके बाद 3 से 5 जनवरी तक 6 अन्य जोन जिला आबकारी अधिकारियों से बैठक कर सुझाव किए गए थे। विभागीय अधिकारियों से वार्ता के साथ ही आबकारी विभाग ने शराब विक्रेता संगठनों के पद अधिकारियों से सुझाव प्राप्त किए। माना यह जा रहा है कि अब नई आबकारी नीति संभवतः जनवरी माह के अंतिम दिन में घोषित कर दी जाएगी। हालांकि लॉटरी सिस्टम लागू होने की संभावना काफी कम है। इसके बजाय मौजूदा तर्ज पर ही दुकानों का इनॉक्शन किया जाएगा। RAS मेंस की तारीख बढ़ाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन अभ्यर्थी आज भाजपा मुख्यालय पहुंचे। अभ्यर्थियों ने भजनलाल सरकार को उनका चुनाव से पहले किया गया वादा दिलाया। हालांकि अभ्यर्थियों को किसी भी नेता से मिलने से पहले पुलिस ने बाहर निकाल दिया। इसी दौरान अभ्यर्थियों की आंखों में आंसू छलक पड़े। अभ्यर्थियों ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी अभ्यर्थियों के साथ न्याय की बात करती थी, लेकिन अब वही नेता सत्ता में आने के बाद मिलने तक को तैयार नहीं है। RAS मेंस की परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी कुलदीप सिंह ने कहा कि RAS मुख्य परीक्षा के लिए हमें कम समय मिला, मात्र 3 महीने का समय मिला है, जिसके पहले हमें कोई तारीख नहीं दी गई थी। हमारी मांग इतनी सी है कि परीक्षा को 3 महीने एक्सटेंड करके 6 महीने का समय दिया जाए, ताकि हम अच्छी तरह से तैयारी कर सके और अच्छा रिजल्ट दे सके। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है। इस परीक्षा में सभी तरह की तैयारियां करनी होती हैं। जो मात्र 3 महीने का समय दिया गया है वो पर्याप्त नहीं है। हम सरकार से कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठा रही। 27 तारीख को एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं। अगर एक बार एडमिट कार्ड जारी होगा तो उसके बाद फिर यह परीक्षा आगे नहीं बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि इस पर एक कमेटी बैठे और वह इस पर प्रशिक्षण करे कि क्या 3 महीने में यह परीक्षा संभव है। अभ्यर्थी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि इस पर गंभीरता से विचार करे और संवेदनशीलता के साथ ही निर्णय करे। इसके लिए वह अब तक मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक नेताओं से मिल चुके हैं। 9 तारीख से हमने धरना किया। उससे पहले बीजेपी के सभी लीडर्स को उनको वादा दिलाया था। ये 19,000 स्टूडेंट नहीं है। हम परीक्षा को कैंसिल नहीं करना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि तारीख आगे बढ़े और आगे एक नियम बने जिसका कैलेंडर जनवरी में जारी हो, ताकि भविष्य में सही तरीके से परीक्षा हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री तक हमने अपनी बात तक रखी, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल भले ही अभ्यर्थी मांग रहे हैं, लेकिन RSS मेंस परीक्षा 2023 की डेट बढ़ने की संभावना कम है, क्योंकि आंदोलन और धरने के बावजूद सीएम भजनलाल शर्मा ने तो अभ्यर्थियों से बात की और न ही किसी तरह का आश्वासन दिया। सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जाना ये दर्शा रहा है कि परीक्षा तय समय पर होगी। प्रतापगढ़ के दरियावाद उपखंड के एक गाँव में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह घटना शुक्रवार देर शाम की है। जानकारी के अनुसार शाम को बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी। इस दौरान आरोपी वहां पहुंचा और उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के दरियावाद उपखंड के गांव में एक वैसी ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची का पिता किसी दूसरे प्रदेश में नौकरी करता है। बच्ची शाम को अपने घर आंगन में खेल रही थी। इसी वक्त आरोपी घर से आता है और बालिका को अपने साथ लेकर चला जाता है। जैसे ही उसने बच्ची के साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया, उसने शोर मचा दिया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। लोगों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। जैसे ही लोग
आरोपी के घर पहुंचे, उसे मामले की जानकारी हुई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना होने पर पुलिस उपाध्यक्ष धनपुर मीणा और थाना अधिकारी रमेश चंद मौके पर पहुंचे और पीड़ित बच्ची का बयान दर्ज किया। इसके बाद जैसे ही वारदात की जानकारी भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री कन्हैयालाल मीणा को लगी, वो मौके पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने पुलिस से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और जल्द कार्रवाई की मांग की है। वहीं बताया जा रहा है कि बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की गहनता से जांच कर रही है। राजस्थान सरकार ने जारी किए गए एक आदेश के माध्यम से 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम को प्रदेश में सेलिब्रेट करने का आदेश दिया है। इस अवसर पर राजस्थान के सभी मंदिरों को सजाने और साफ सफाई करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। सरकारी आदेश के अनुसार राजस्थान समस्त मंदिरों में सफाई करने, विशेष सजावट और रोशनी में जगमगाहट करने के साथ मिट्टी के गाय के गोबर से बने दीपक जलाने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 70 एकड़ भूमि पर बनने वाले भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होना है। इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन हफ्ते भर तक किया जाएगा, जिसमें मंदिर से जुड़े सभी कार्यक्रम शुभ मुहूर्त के अनुसार संपन्न किए जाएंगे। रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान के लिए 22 जनवरी 2024 को 12:29:08 से 12:30:32 तक किया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठान के लिए 54 सेकंड का मुहूर्त निकाला गया है। भव्य कार्यक्रम में मंदिर से जुड़े अनेक कार्यों को हफ्ते भर में संपन्न किया जाएगा, जो कि आयोजन की अच्छी तैयारियों के साथ होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में 2023 में 7 सांसदों को चुनाव में शामिल किया, जिसमें से 4 जीत गए और 3 हार गए। इसके परिणाम स्वरूप इन हारे हुए सांसदों के सियासी भविष्य को लेकर उन्हें चिंता है। राजस्थान के सियासी गलियारों में यह भी विचार किया जा रहा है कि इन हारे हुए सांसद का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। क्या भाजपा इन्हें वापस लोकसभा चुनाव 2024 में उतारेगी या कुछ और जिम्मेदारी सौंपेगी, यह सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही लगातार उठ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस का पिछले 2 लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन पार्टी 2 बार कई सीट पर हारी हुई नेताओं या उनके रिश्तेदारों को चुनाव टिकट देने की दीक्षा में विचार कर रही है। इसके बावजूद नए साल में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर भी सवाल उठ रहा है। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। पिछले आम चुनाव अप्रैल मई 2019 में हुए थे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने केंद्र सरकार बनाई, जिसमें नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और विधायक गजेंद्र सिंह खींवसर 12 जनवरी दिन शुक्रवार को देचू पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह फतेहगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने लाभार्थियों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही उपस्थित अधिकारियों को सभी सरकारी योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके पश्चात भाजपा के वरिष्ठ नेता और गौशाला अध्यक्ष कान सिंह राठौर के नेतृत्व में उनके निवास स्थान के आगे मंत्री गजेंद्र सिंह का डोला नगाड़े के साथ भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने पश्चात ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में हिस्सा लिया। उन्होंने यहाँ मौजूद लाभार्थियों से मुलाकात की और कहा कि राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार है, किसी भी समस्या को लेकर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हर समय मैं आप जनता की सेवा में हाजिर हूँ। राजस्थान के मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार की वजह से विद्युत विभाग ICU में है, अब हमारा लक्ष्य है कि डिस्कॉम विभाग को नॉर्मल वार्ड में कैसे लाया जाए। वहीं जोधपुर CSO को निर्देश दिया कि सेतवारा और डेचू अस्पताल में जिस भी चीज की कमी है उसे 100% पूरा करे। अस्पताल में कोई भी पद खाली नहीं रहना चाहिए, जो भी मशीन पुरानी है उसके लिए मुझसे बजट प्राप्त करें और नई लगवाएं। इस दौरान सभी अधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे। राजस्थान के जोधपुर जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में लगातार चिल्ला रही महिला को चुप करने पहुंची पड़ोसी पर महिला पर तलवार से हमला करता दिख रहा है, जिसके कारण उसके हाथ में काफी गंभीर चोट आई है। पीड़ित की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला जोधपुर जिले के 5वीं रोड स्थित लाला लाजपत राय कॉलोनी में मेघवाल बस्ती का है। मिली जानकारी के अनुसार जोर जोर से चिल्ला रही महिला को उलाना देना पड़ोसी को भारी पड़ गया। महिला के बेटे ने पड़ोसी पर तलवार से ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले में पड़ोसी का हाथ बुरी तरह से कट गया। बता दें कि इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक तलवार से वार करता नजर आ रहा है। पड़ोसी के सिर में चोट आई है, फिलहाल उन्हें महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं घायल पड़ोसी महेंद्र मेघवाल ने प्रताप नगर सदर थाना पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि BA प्रथम ईयर की एक छात्र का गला काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि अभी तक वह खुलासा नहीं हो पाया है कि हत्या के बाद आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं मौके पर पहुंची सुबनगढ़ थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। मामला भीलवाड़ा जिले के असिंध के शंभूगढ़ थाने क्षेत्र की बरसाने गाँव का है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को अज्ञात कारणों के चलते BA प्रथम वर्ष की एक छात्रा का धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर जैसे ही आसपास के लोगों को हुई तो मृतका के घर के सामने लोगों का जमावड़ा लग गया। वहीं स्थानीय लोगों ने हत्या जानकारी मिलते ही जिला पुलिस अध्यक्ष श्याम सिंह समेत पुलिस के आला अधिकारी और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर
लेकर लोगों से पूछताछ और जांच शुरू कर दी। जिला पुलिस अध्यक्ष श्याम सिंह ने कहा कि शंभुगढ़ थाना क्षेत्र के बरसानी गांव में एक छात्र की हत्या की सूचना मिली, जिसके बाद शंभुगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने मौके पर मुआयना किया। छात्रा का शव उन्हीं के मकान के बाहर कमरे में था, जहां प्रथम दृष्टि छात्रा की हत्या धारदार हथियार से पाई गई। उन्होंने बताया कि इस हत्या के बाद छात्रा के परिजन घर के अंदर थे और बाहर कमरे में यह घटना हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच के बिना कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम तमाम एंगल से इसकी जांच करें और शीघ्र इसका खुलासा किया जाएगा। हमने इस मामले को लेकर कुछ टीमों का गठन कर दिया है, जो हर एक एंगल से इसकी जांच कर रही है। फतेहपुर क्षेत्र में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है, हालांकि आज तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र आज का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री दर्ज किया गया है। तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों का तेज सर्दी से थोड़ी राहत मिली। वहीं आज एक बार फिर से आसमान में बादल छाए हुए हैं। तापमान में बढ़ोतरी होने के बाद भी लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। वहीं शुक्रवार के न्यूनतम की बात की जाए तो फतेहपुर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान प्लस में 0.3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि इससे पहले तापमान -1.7 डिग्री मापा गया था। जयपुर की बात करें तो 12 जनवरी को जयपुर का अधिकतम तापमान 23.4 और न्यूनतम तापमान 7.4 दर्ज किया गया। मौसम विभाग जयपुर की माने तो आने वाले दिनों में सर्दी में लगातार बढ़ोतरी होगी। आज सुबह 14 जनवरी का जयपुर में तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। साथियों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।